हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फो। मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सिविल रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिविल रिपोर्ट पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास्ट में आपका कौन कौन सा लोन चल रहा है और आपने आपने कौन कौन सा लोन अप्लाई कर रखा था, ठीक है ना? क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता और आपके नाम पे लोन अप्रूव हो जाता है, छोटे मोटे या बड़े भी, ठीक है? प्लस आपको क्रेडिट कार्ड पे आपने कौन कौन से बड़ी ट्रांजेक्शन करी है, उन्हें आपने EMI में कन्वर्ट कराया कि नहीं कराया, आप लोगों को सब कुछ सिविल रिपोर्ट में पता चल जाएगा। और सिविल रिपोर्ट में काफी कुछ पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी EMI मिस करी है, और प्लस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको सिविल रिपोर्ट में पता चल जाएगा। प्लस बिल्कुल फ्री में आपको बताऊंगा कि आप सिविल रिपोर्ट और सिविल स्कोर, यानी कि सिविल स्कोर भी बिल्कुल एक्यूरेट आप पता कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना है, cibil.com की, ठीक है ना? तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं cibil.com। इस पर आने के बाद सबसे नीचे देखिए गेट योर फ्री सिविल स्कोर, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे भी ये मेंशन होगा गेट योर फ्री सिविल स्कोर, दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट योर अकाउंट। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है और वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर है आईडी टाइप। आईडी में आपको इनकम टैक्स आईडी नंबर, यानी कि पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, राशन कार्ड नंबर, इनमें से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। तो मैं इनकम टैक्स आईडी नंबर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना आईडी नंबर, यानी कि जो पैन नंबर है, वो यहाँ पर लिखना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, फिर आपको एरिया का पिन कोड, और फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और अपना स्टेट उत्तर प्रदेश जैसे मेरा स्टेट है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फिल कर दी हैं, और सबसे नीचे देखिए एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मेरे फ़ोन नंबर या फिर मेल आईडी पे एक OTP आएगा, OTP मैंने फिल कर दिया, अब मेरे को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद एक ही कन्फर्मेशन मांग रहा है कि आप ये जो वर्क कर रहे हैं, जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं अपनी खुद की डिवाइस में कर रहा हूँ, या फिर किसी साइबर कैफे या फिर किसी अदर डिवाइस में कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अपने खुद के मोबाइल में चेक कर रहा हूँ, तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड, और आपको यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर देखिए योर सिविल स्कोर इज 744, ठीक है ना? तो मैंने जिनका ये चेक करा है, इनका सिविल स्कोर 744 है, सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको क्रेडिट रिपोर्ट समझा देता हूँ एक बार। क्रेडिट रिपोर्ट में सबसे पहले तो सिविल स्कोर ही आता है, इसके बाद नीचे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको वन बाई वन चेक करके बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल से स्टार्ट कर लेते हैं। पर्सनल वाले पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका जो पैन नंबर आपने डाला था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस, कैटेगरी और रेसिडेंस कोड और डेट रिपोर्ट, यानी कि जो भी आपका जो इसमें आपकी जो सैलरी वगैरह है, सैलरी अकाउंट है आपका, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ शो कर जाता है, इससे पता चल जाता है ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है। फिर इंप्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे जैसे अकाउंट टाइप क्रेडिट कार्ड है, डेट रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी, ऑक्यूपेशन आप देख सकते हैं सैलरीड, यानी कि अगर आपका अपना खुद का वर्क है तो यहाँ पे सेल्फ इंप्लॉयड या बिजनेस वगैरह, तो हम जैसे इस बंदे की सैलरी आती है तो यहाँ पे सैलरीड लिखा हुआ आ गया। अकाउंट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आपके अकाउंट पर जो भी लोन चल रहे हैं, किसी भी तरीके के लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, टू व्हीलर हो, पर्सनल हो, होम लोन हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ICICI से टू व्हीलर लोन चल रहा है, ICICI से क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है इंडिविजुअल, और नीचे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग क्रेडिट कार्ड पे जितने भी लोन चल रहे हैं, इसमें पूरी की पूरी इसमें अकाउंट नंबर से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देंगी। इसके बाद इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन समझा देता हूँ। आपने जब भी जिस डेट में अपनी इंक्वायरी करी होगी, पर्सनल लोन के लिए या होम लोन के लिए, टू व्हीलर के लिए, कभी भी अप्लाई करा होगा, सारे के सारे डेट वाइज यहाँ पे विद अमाउंट शो कर देंगी। सबसे पहले मेंबर नेम है, डेट ऑफ इंक्वायरी है, इंक्वायरी पर्पज़ दे रखा है, इंक्वायरी अकाउंट नीचे भी दिखा देता हूँ, जिस डेट में आपने इंक्वायरी करी थी, जिस बैंक से इंक्वायरी करी थी, और पर्पस क्या था आपका, पर्सनल, होम लोन, हाउसिंग, कंज्यूमर, जो भी लोन था आपका, विद अमाउंट यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। वापस आपको इसी पेज पर आना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपकी सिविल रिपोर्ट होगी, आप उसको जो देख सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे सामने सिविल स्कोर एंड सिविल रिपोर्ट की ये पूरी लिस्ट आ गई है, और मैं थोड़ा सा नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो मैंने आपको अभी चेक कराई थी, पर्सनल, कॉन्टैक्ट, इंक्वायरी, ठीक है, अकाउंट, सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है? अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं या फिर अपने डेस्कटॉप से कर रहे हैं, और आपने यहाँ पे अपना प्रिंटर अटैच कर रखा है, तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से जो आपने इस पेज को डाउनलोड करा है, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने फुल प्रोसेस लाइव दिखा दिया है, और आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, और ऐसे आप अपना सिविल स्कोर और सिविल रिपोर्ट
और सिविल रिपोर्ट डाउनलोड और उसे चेक कर सकते हैं। और इसे बीच बीच में यानी कि हर तीसरे या छठे महीने आप चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।